नमस्कार मित्रों, आज है हमारा ब्रह्मचर्य एंड आध्यात्मिकता चैलेंज का डे 3। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आज के वीडियो के कंसेप्ट के बारे में आप ठीक से समझ लेते हो, उसे ठीक से जान लेते हो, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आपके क्रिएट होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली हम चर्चा करेंगे दैट डज ब्रह्मचर्य मीन सेलिबसी, ब्रह्मचर्य एंड सेलिबसी में क्या अंतर है, क्या दोनों ही सेम है। एंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट डज मूविंग इनटू इन्फिनिटी मीन्स, मतलब अनंत में जाने का क्या मतलब है, और यही हमारा सबसे मेन टॉपिक है। इसे अगर समझ लेते हो तो आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है इस वीडियो के बाद से। और जब हम अनंत में जाने को समझ लेंगे तब ब्रह्मचर्य के फायदे के बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरू करने से पहले कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप अंदर से इस चैलेंज को लेकर एनर्जेटिक फील कर रहे हो? क्या आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि हाँ मैं ये चैलेंज बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लूँगा? तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य एंड सेलिबसी में क्या अंतर है। हालांकि सेक्स और प्रजनन जीवन का बहुत ही बड़ा आधार है, कई धार्मिक परंपराओं में ब्रह्मचर्य को अक्सर गहरी आध्यात्मिकता संतुष्टि के लिए एक शर्त माना गया है। कई लोग ब्रह्मचर्य की तुलना सेक्सुअल एक्टिविटी से न करने या एकदम साफ सुथरा शुद्धता से करते हैं। हिंदू धर्म में प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का उपयोग जीवन के 4 चरणों में से पहले को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। विवाह से पहले जब छात्र आश्रम या गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षक के साथ रहने और अध्ययन करने जाते थे, तो इन परिस्थितियों में अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने और आत्म साक्षात्कार के साधनों को सीखने के लिए कठोर ब्रह्मचर्य का जीवन जीना आवश्यक समझा गया था। बाद में व्यक्ति ने पारिवारिक जीवन मतलब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया एंड नेचुरली सेक्स वॉज अ पार्ट ऑफ इट। महर्षि पतंजलि ने सामान्य रूप से समाज और मानव जाति के सामंजस्यपूर्ण और सतत विकास के लिए 5 यमों को यूनिवर्सल कंसेप्ट को पूर्ण मूल्यों के रूप में रिकमांड किया। यदि पीढ़ियाँ, समाज और संस्कृतियाँ बड़े पैमाने पर ब्रह्मचर्य को जीवन जीने के तरीके के रूप में अपनाना चाहती है, सो टू इक्वेट ब्रह्मचर्य विथ सेक्सुअल एब्सटिनेंस इज मिसलीडिंग एंड वेरी लिमिटेड। आई सी सेलिबसी एज अ स्पॉन्टेनियस रिजल्ट ऑफ फुल प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य। द बॉडी हैज इट्स ओन साइकिल, इट गोज थ्रू साइकिल्स। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस का एक चक्र में शामिल न होना ही असली कुशलता है। सेलिबसी इज अ क्वालिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस एंड इट इज अ हैपनिंग, इट इज नॉट अ प्रैक्टिस। ऐसा तब होता है जब आपकी चेतना का विस्तार होता है, जब मन दिव्यता पर केंद्रित होता है, तो कोई स्वामित्व नहीं होता है, कोई वासना नहीं होती है, कोई लालच नहीं होती है, इनमें से कोई भी नकारात्मक प्रभाव मन पर हावी ही नहीं होता। इसका बिल्कुल यही मतलब है दोस्तों कि संयम इसी का परिणाम है, यह इसका एक हिस्सा है। जी समझो जब आपको कोई परीक्षा देनी होती है या कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना होता है, तब आपका मन उसमें ही होता है। तो मन शरीर के किसी भी हिस्से में नहीं जा रहा होता है या किसी आकर्षण या सेक्स पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा होता है, आप व्यस्त है, आपका मन किसी बड़ी चीज की ओर बढ़ रहा है, तब आप ब्रह्मचर्य को क्षणों को अनुभव करते हैं। यदि आप किसी चीज में लगे हुए हैं या जब आप गहरे प्यार में हैं, तब भी यह स्वचालित रूप से होता है और ये होता ही रहता है। आपका माइंड फोकस हो जाता है उस चीज़ को लेकर। अनंत में जाने का क्या मतलब है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनना और समझना। हम में से अधिकांश लोग स्वयं को अपने भौतिक शरीर के साथ पहचानते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी के साथ पहचानते हैं और अपनी अधिकांश ऊर्जा शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करते हैं। हम अपनी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, सेंसुअल प्लेजर, क्रेविंग एंड घृणा से प्रेरित होते हैं और गुलाम बन जाते हैं इन चीज़ों का। हम इन कामुक सुखों से न केवल अपनी पहचान बल्कि अपनी खुशी, संतुष्टि, सफलता और उपलब्धि की भावना भी जोड़ते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ये सुख टेम्पररी है और हमें बार बार भूख, असंतुष्ट, बेचैन और बुखार से पीड़ित कर देता है। यह दुष्चक्र हमारा सारा ध्यान और ऊर्जा छीन लेता है। अनंत में जाने का मतलब यह समझना है कि आप केवल शरीर नहीं है बल्कि आप प्रकाश की चमक, ईश्वर चेतना या सच्चित आनंद, अनंत आनंद का स्रोत है। जब आपको अपने विशाल और आनंदमय स्वभाव का एहसास होता है तो आप खुशी और आनंद का असीमित, अनलिमिटेड सोर्स बन जाते हैं। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप में रहना शुरू करते हैं तो ब्रह्मचर्य
और सभी इंद्रिया का संयम सहज और स्वाभाविक रूप से होता है। एंड देन द माइंड लूजेस इट इंटरेस्ट एंड होल्ड ऑन द फिजिकल, मन भौतिक पर अपनी रुचि और पकड़ खो देता है और हर दिन से परे अनंत तक देखता है। आनंद का अनुभव करने के लिए अब शारीरिक संतुष्टि पर निर्भर उसे रहना नहीं पड़ता है। हम अपनी छोटी सी पहचान बनाते हैं इस जगत में और उसके अनुसार जीते हैं। मैं ये हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं निराश हूँ आदि, ये सब छोटी छोटी पहचानें हैं। अनंत में जाने का अर्थ है दोस्तों कि इन सभी छोटी पहचानों और लेबलों को छोड़ना और इसके बजाय खुद को अनंत और परमात्मा के साथ पहचानना। जब हम अनंत से जुड़ जाते हैं तो यह इतनी संतुष्टिदायक और पूर्ण स्थिति होती है कि हमें किसी भी सांसारिक सुखों की लालसा नहीं होती है। अनंत की ओर बढ़ना का सीधा सा मतलब ये हो सकता है दोस्तों कि अपनी सेक्सुअल एंड विटल एनर्जी को किसी बहुत रचनात्मक चीज में उपयोग करना और लगाना। आपके द्वारा खुद को दिए गए लेबल और रोजमर्रा की जिंदगी के सांसारिक सुखों से परे आप स्वाभाविक रूप से कामुकता की बाहरी और नीचे की ओर खींचने में रुचि नहीं रखते हैं, जो आपकी ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकता है। आत्मज्ञान, ध्यान, धर्म ग्रंथों के अध्ययन या आध्यात्मिक गुरु की कृपा से हम सीखते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, कि हम शरीर से भी बड़े और एक पूरी तरह से अलग डायमेंशन में हमारे अंदर ओपन हो जाता है। आपको एहसास होने लगता है कि आप यहाँ एक अनोखे और नेक उद्देश्य के लिए आए हो, न कि केवल खाने, सोने, बात करने और सेक्सुअल एंड कामुक आनंद लेने के लिए। अब जानते हैं कि ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स क्या है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित वीर्य लाभा, ये द्वितीय सूत्र 38 में आपको मिलेगा। अनंत प्रकृति में स्थापित होने पर महान शक्ति प्राप्त होती है। जब आप ब्रह्मचर्य में होते हो तो आप महान शक्ति प्राप्त करते हैं। जब आपकी चेतना अनंत तक विस्तारित हो जाती है तो वह स्थान जोश, शौर्य और शक्ति को प्रोत्साहित करता है। जब आपके अंदर ब्रह्मचर्य स्थापित हो जाता है तो आप देखते हैं कि आप शरीर से कहीं अधिक हैं। आप स्वयं को शुद्ध चेतना ब्रह्म के रूप में देखते हैं। जैसे ही आप अपनी सारी कमजोरी दूर कर देते हैं और कामुक सुखों से दूर हो जाते हैं, आपके अंदर से ताकत बढ़ जाती है। जब ब्रह्मचर्य आपके अंदर दृढ़ता से स्थापित हो जाता है तो आप विशाल और शक्तिशाली बनते जाते हैं। ब्रह्मचर्य में स्थापित व्यक्ति जीवन शक्ति और ऊर्जा का भंडार है, एक साहसी दिमाग और एक शक्तिशाली बुद्धि विकसित करता है। ब्रह्मचर्य वह बैटरी है दोस्तों जो ज्ञान की मशाल को जलाती है। सेक्सुअल एनर्जी या कामुक एनर्जी प्रसारित करने से क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, फोकस और स्पष्टता में सुधार हो सकता है, दिमाग को ऊर्जा मिल सकती है और अंततः आत्म प्राप्ति की दिशा से बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम तत्सत।